आप देखेंगे समय, दूरी और चाल से आरआरबी में पूछे गए प्रश्न। तो हमारा आरआरबी 2006 में एक क्वेश्चन पूछा था, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पर हमारा, और ट्रेन पास कर रही है, तो ट्रेन जब पास करेगी तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, जब इंजन सामने होगा तो उस व्यक्ति के सामने, और जब पास कर जाएगी तो पिछला डब्बा का इंड होगा, यानी पूरा कितना ट्रेन का डिस्टेंस होगा। ट्रेन का डिस्टेंस पूरा ट्रेवल कर जाएगा ट्रेन, तो वो व्यक्ति को पार कर जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, ट्रेन का जो लेंथ हमारा दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, वो हमारा 100 मीटर दिया हुआ है, और हमारा ट्रेन का यानी रेलगाड़ी का हमारा चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी 30 किमी दिया हुआ है प्रति घंटा। तो हमारा टाइम पूछ रहा है कि कितनी देर में, तो हम जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस यानी दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हमारा जो है क्या हो जाएगा, ट्रेन का जो दूरी है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन यानी रेलगाड़ी की लंबाई बट्टे हमारा चाल, किसका चाल, तो रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड, एस से डिनोट करते हैं, ऑफ ट्रेन। एक चीज़ और, यहाँ हमारा मीटर दिया हुआ है, रेलगाड़ी का जो लंबाई दिया हुआ मीटर में दिया हुआ है, और जो हमारा इसका चाल दिया हुआ है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो हमको पता है, हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर हमारा होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, 30 किमी को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 30 × 5/18, तो यहाँ से हमारा ये 3 से 6 बार में, 3 से ही हमारा 10 बार में, 2 से 3 बार में, 5 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपल कुछ नहीं, हमारा टाइम निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, और ट्रेन का चाल मीटर पर सेकेंड में हमारा आ चुका है 25/3, तो ये हमारा हो जाएगा ये 4 × 3 बराबर 12 सेकेंड। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा आरआरबी 2006 में पूछा है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ हमारा ये समझ लीजिए पुल है, और ट्रेन हमारी आ रही है, तो ट्रेन को पार करना है, पार करना इंटर करेगा, उसके बाद जब ट्रेन का इंटर कब करेगा, जब इंजन स्टार्ट होगा यहाँ से,
और जब लास्ट वाली ख़त्म होगी तो ये पुल को तब पार कर गया होगा ट्रेन, हमारा पार कर जाएगा। तो हमारा यहाँ से ये पता चलता है कि हमारा कितना लेंथ ट्रेन ट्रेवल करेगा। एक तो ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्लस ट्रेन का लेंथ ट्रेवल करेगा। तो यहाँ हमारा जो फार्मूला बनकर आएगा वो टाइम बराबर समय बराबर जो हमारा दूरी है, दूरी ट्रेन की, दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस जो हमारा पुल है उसकी लंबाई, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज यानी पुल की लंबाई बटे चाल, ट्रेन की चाल यानी रेलगाड़ी की चाल और स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हमारा फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ भी हमारा क्या है, मीटर में दिया हुआ है पुल का लंबाई, और ट्रेन का लंबाई भी हमारा मीटर में दिया हुआ है, और हमारा ये जो ट्रेन का हमारा चाल है वो 45 किमी प्रति घंटा दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 45 को 5/18 से गुना करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 3 से ये 6 बार में 3 से ये 15 बार में, फिर 3 से ये 5 बार में और 3 से 2 बार में, यानी 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपली कुछ नहीं करना, पुट कर देना, ट्रेन की लंबाई 171 हमारा दिया हुआ प्लस हमारा क्या दिया हुआ है, ब्रिज यानी पुल की लंबाई दिया हुआ है 229, और यहाँ से ट्रेन की चाल निकाल चुके हैं 25/2, जब इसको ऐड करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, 25 × 2, तो ये है यहाँ से हमारा 16, 16 बार में कट जाएगा, तो 16 × 2 यानी 32 सेकेंड। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा RRB 2006 में ही पूछा था। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किमी प्रति घंटा है, और बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किमी प्रति घंटा हो जाती है। तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है, अगर लगातार ट्रेन चलते रहती है तो उसका चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर घंटा, और जब हमारा रुक रुक कर ट्रेन चलती है बीच बीच में तो उसका दिया हुआ हमारा चाल 80 किलोमीटर पर घंटा। तो पूछ रहा है कि गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है जब रुक रुक कर चलती है। तो यहाँ से हम देखेंगे, जब ट्रेन लगातार चलती है यहाँ रुक रुक कर, तो हमारा चाल क्या है, सॉरी चाल चाल हमारा ये लगातार चलने पे 90 किमी प्रति घंटा, ये 80 किमी प्रति घंटा। और एक चीज़ और दिया हुआ है हमारा कि एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किमी प्रति घंटा, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा तक रुकेगी। ठीक, तो डिस्टेंस यहाँ से पता चलता है कि हमारा सेम है, क्योंकि उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है,
और इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है जब रुक रुक कर चलती है। तो यानी हमारा क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस अगर हमारा सेम रहता है तो हमारा स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो चाल हमारा इतना है 90 और 80, तो इसका जो हमारा रेशियो अनुपात क्या हो जाएगा, 9:8। और फिर अगर समय का अनुपात निकाला जाए क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो समय का अनुपात 8:9 हो जाएगा। यानी अगर ट्रेन लगातार चलती है तो 8 घंटा समय लेती है, और रुक रुक कर चलती है तो ट्रेन कितना समय लेती है, 9 घंटा का समय लेती है। तो कितना घंटा ज़्यादा लेती है जब रुक रुक कर चलती है, तो 1 घंटा का ज़्यादा समय लेती है। यानी 9 घंटा में 1 घंटा का ज़्यादा समय लेती है, यानी 60 मिनट का ज़्यादा समय लेती है। तो 1 मिनट में कितना समय लेगी, सॉरी 1 घंटा में कितना ज़्यादा समय लेगी, 60/9। तो यहाँ से 3 से 20, 20 को लिख सकते हैं, 18 + 2 = 3, तो इसको लिख सकते हैं 6/2/3 मिनट प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक रेलगाड़ी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी की दिशा में पटरियों के समांतर 50 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकेंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ये पटरी है, ट्रेन जा रही है, कोई बंदा है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये भी जा रहा है। ट्रेन का चाल दिया हुआ है और इस बंदे का भी चाल दिया हुआ है हमारा, और पूछ रहा है कि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकेंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, रिलेटिव चाल निकालते हैं, यानी रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, अगर इसका चाल ए हो इसका बी हो, तो हमारा रिलेटिव चाल जो होगा वो हमारा फास्टर का चाल माइनस स्लोअर का चाल, तो ए माइनस बी होता है। अगर कोई इस ट्रैक पे जा रहा है, इस डायरेक्शन में फास्टर जा रहा है, और स्लोअर कोई बंदा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव चाल हमारा होता है वो हमारा, अगर इसका ए है इसका बी है, तो ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर रिलेटिव चाल क्या हो जाएगा, फास्टर का 30 किमी प्रति घंटा और स्लोअर का 15 किमी प्रति घंटा। तो 30 - 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 किमी प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा। और हमारा यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ, 48 सेकेंड दिया हुआ है, इतना सेकेंड में इस बंदे को पार कर जाता है। तो टाइम बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी तो ट्रेन का पूरा अपना लेंथ को कवर करेगी, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, ये लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। अब बट्टे चाल होता है, तो रिलेटिव चाल होगा, तो रिलेटिव चाल कितना, 15 ये किमी है और ये सेकेंड है, तो सबसे पहले 15 किमी को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे।
तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, तो ये 3 से 6, 3 से 5, 25/6 मीटर पर सेकंड। और हमारा यहाँ से पता चलेगा रिलेटिव चाल हमारा 25/6, और समय हमारा दिया हुआ 48, 48 दिया हुआ, तो लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं निकल जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा 48 × 25/6, ये 8 बार में, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 200 मीटर, यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से सही आंसर हमारा डी, ये 2008 में पूछा गया था। अब आगे देखते हैं, 2006 आरआरबी में पूछा गया था, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल बताना है। तो कह रहा है कोई ट्रेन है एक ही समान चाल से जा रही, यानी स्पीड उसका हमेशा सेम है, यानी चाल उसका हमेशा सेम है और जा रही है, तो वो पहला वाला स्टेशन को जब पार करती है जिसकी लंबाई 96 मीटर है, और उसको कितना सेकंड में स्टेशन को पार कर जाती है, 12 सेकंड में पार कर जाती है। सिमिलरली वो दूसरे स्टेशन को पार करती है जिसकी लंबाई 141 मीटर है, और वो कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। ठीक, अब जो वो पहले बार ट्रेन ट्रेन जब पहले स्टेशन को पार करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती होगी, तो स्टेशन का डिस्टेंस यानी स्टेशन का दूरी प्लस रेलगाड़ी की दूरी दोनों ऐड हो जाएगा, तो वो टोटल दूरी तय करती है, और टाइम कितना लगाती है, 12 सेकंड लगाती है, और चाल क्या है उसका, चाल वो निकालना है, और हमेशा कांस्टेंट चाल है, मतलब कि चाल बदल नहीं रहा है पूरे जर्नी में। तो यहाँ से हमारा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड तो दोनों केस में सेम है, तो स्पीड बराबर हमारा हो जाएगा डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई 96 मीटर, ये दिया हुआ, बट्टे समय, तो ये 12 सेकेंड, चूँकि चाल हमेशा समान है तो इसका भी जो चाल होगा, प्लेटफॉर्म जब 2 को पार करेगी तो इसका भी इतना मीट कितना डिस्टेंस चली होगी, एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन चली होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना समय में, 15 सेकेंड में, ये रिलेशन बन गया। ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि चाल हमारा पूरे कांस्टेंट जर्नी में सेम है। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 से ये 4 बार में, 3 से ये 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 LT प्लस 96 × 5 इक्वल्स टू 4 LT प्लस 4 × 141। यहाँ से इसको इस साइड लाएंगे तो LT हो जाएगा, 5 − 4 = 1, और ये हो जाएगा 4 × 141 माइनस इसको इस साइड 25। तो यहाँ से हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन जो निकल कर आ जाएगा वो 84 मीटर निकल कर आ जाएगा। जब हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकल सकता है, यहाँ पुट करके आसानी से पुट कर देंगे, तो यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन हम कितना पुट करेंगे, 84 प्लस 96 बट्टे
ट्वेल्व, तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड आ जा रहा है, ठीक। लेकिन जितना भी हमारा यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है चाल, वो किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर घंटा में। किलोमीटर पर घंटा हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 15 को 18/5 से गुना करेंगे, तो ये कितना होगा, 5 से, ये 3 बार में, और ये आ जाएगा हमारा 54 किलोमीटर किमी पर घंटा। तो यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेन का डिस्टेंस 84 और जो हमारा चाल है 54, तो ये हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2010 के RRB में पूछा गया था। 60 किमी प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये कोई सिग्नल पोस्ट है, इसको अगर पास पार करना है किसी रेलगाड़ी को, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ट्रेन का लेंथ यानी ट्रेन की लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से टाइम बराबर यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी यानी लेंथ ऑफ ट्रेन बटे स्पीड ऑफ ट्रेन यानी चाल ऑफ ट्रेन। चूँकि ये जो हमारा दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई 750 मीटर में दिया हुआ, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको 60 को 5/18 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 से ये 3 बार में, 6 से ये 10 बार में, 50/3। अब क्या है, यहाँ पुट कर देना है वैल्यू, लेंथ ऑफ ट्रेन 750, स्पीड 50/3, यहाँ से 110 खत्म, ये 15 × 3 यानी 45, यानी कितना समय लगेगा, 45 सेकेंड लगेगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर आगे देखते हैं, ये हमारा RRB 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे, तो देखते हैं। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किमी प्रति घंटा तथा 36 किमी प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास से 5 सेकेंड में गुजर जाती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। एक चीज़ इसमें हमको याद रखना है कि जब भी कोई फास्टर ट्रेन यानी तेज गति से चलने वाली ट्रेन किसी स्लोअर गति से चलने वाले ट्रेन में बैठे कोई आदमी को अगर पास करती है, तो इसमें जो हम दूरी लेते हैं ये हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। स्लोअर ट्रेन जो है धीरे चलने वाली ट्रेन की लंबाई नहीं लेते हैं डिस्टेंस में, हम सिर्फ लेते हैं जो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है उसका डिस्टेंस यानी उसकी लंबाई हम लेते हैं डिस्टेंस में कंसीडर करते हैं, ठीक। इतना बात को याद रखना, और यहाँ से रिलेटिव स्पीड पता चल जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन बताएं ही, अगर ए बी चल रहा है तो हमारा रिलेटिव जो चाल है, चाल जो रिलेटिव है
वो हमारा फास्टर माइनस स्लोअर होता है, यानी तेज़ चलने वाली माइनस धीरे चलने वाली, तो ए माइनस बी। यानी यहाँ जो हमारा सेम डायरेक्शन चल रहा है, एक 72 तेज़ चलने वाली 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और स्लो चलने वाली 36 किमी प्रति घंटा के से चल रहा है, तो हमारा रिलेटिव चाल जो हो जाएगा हमारा वो 72 माइनस 36 किमी प्रति घंटा से चलेगा, तो ये हमारा 36 किलोमीटर आया हमारा रिलेटिव चाल। ठीक, और उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ कि ये सेकेंड में दिया, 5 सेकेंड में उस बंदे को स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए, मतलब कि धीरे से चलने वाली ट्रेन में बैठे बंदे को 5 सेकेंड में पास कर जाती है, तो ये हमारा सेकेंड में दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 36 किमी पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यानी दूरी कितना तय किया, तो ये हम क्या ले रहे हैं कि सिर्फ जो सबसे तेज़ चलने वाली है उसकी लंबाई कंसिडर करते हैं। ठीक, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, फास्टर ट्रेन यानी तेज़ चलने वाली गाड़ी बट्टे रिलेटिव चाल, तो वो हम निकालें कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, और टी बराबर हमारा कितना दिया हुआ, 5 सेकेंड, तो यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा आ जाएगा 10 × 5 बराबर 50 मीटर, तो इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। थैंक यू।